हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी योगेंद्र रावत से अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की कई मांगों पर सहमति बन चुकी है। कुमाऊं कमिश्नर ने उनके सभी मांगों पर चर्चा कर उनका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म कराया। दरअसल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल की वजह से कुमाऊं मंडल में खाद्यान्न और सब्जी पर संकट गहरा गया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुलिस और आरटीओ के समक्ष वार्ता कराकर हड़ताल को खत्म करवाया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, देवभूमि ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन है ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चलान हुआ तो लगातार होता चला गया जहाँ जहाँ से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं, उन फिटनेस सेंटर्स में कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है, और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा, जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित कर रहे हैं।